बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे इल्मुल बलागा में से इल्मुल बयान की जो बात है तशबीह की। आपको मैंने जो है ना वो इल्मुल बयान का ख़ुलासा वो मैंने आपको बता दिया है, और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि इल्मुल बयान का जो फोकस है वो किसके ऊपर है, मजाज के ऊपर है, मजाज लुगवी पे है। और मजाज लुगवी की जो बेसिक तकसीम है वो क्या है, वो तकसीम है मजाज लुगवी इस्तियारा और मजाज मुरसल में। और इस्तियारा का जो दारो मदार है वो तशबीह के ऊपर है। तो तशबीह की बात हम पढ़ रहे थे, तशबीह की बात का हमने आगाज़ मतलब है तशबीह की जो बात है वो हम पढ़ रहे थे। अब उसकी जो मुख्तलिफ तकसीमात हैं, क्योंकि तशबीह में कितने अरकान हैं, जब तशबीह चार अरकान हैं, मुशब्बा मुशब्बा भी, अदा तशबा और वजह शबा। तो इनके लिहाज से मतलब है तरफ़ैन के लिहाज से, जिसको मुशब्बा मुशब्बा भी कहते हैं, इसकी क्या अकसाम है, अदा तशबा अगर ज़िक्र करें ना करें तो उसके लिहाज से क्या अकसाम है, वजह शबा के लिहाज से क्या अकसाम है। तो ये कुछ अकसाम मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है, और कुछ अकसाम अभी मैं पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद ओवरऑल हम देख लेंगे मजमूई तौर पर कि हमने कुल अकसाम कितनी पढ़ी हैं और वो अकसाम कैसे बनी हैं। तो आज का जो हमारा सबक है वो ये है, तकसीम तरफ है ये तशबीह, तशबीह की तरफ़ैन की तकसीम बेतबार तादुदी हिमा मुतादिद होने के लिहाज से। अब तरफ़ैन से क्या मुराद है, तरफ़ैन से मुराद हैं मुशबा मुशबा भी, तरफ़ैन से क्या मुराद है मुशबा और मुशबा भी। अब इसमें बेतबार तादुदी हिमा, अब ये देखें मैं तरतीब से बताऊँगा आपको, जहन में जो है ना वो ये चीज़ें याद रहेंगी ज़रा मेरी तरफ ध्यान से। मुशबा और मुशबा भी, पहले मुशबा फिर मुशबा भी, बेतबारी तादुदी हिमा उनके मुतादिद होने के लिहाज से, यानी ये मुतादिद भी हो सकते हैं। तो इसमें कितनी सूरतें बनती हैं, हाँ देखें, मुशबा जो हैं ये मुतादिद हैं और मुशबा भी मुतादिद हैं। फिर इसमें दो सूरतें बनेंगी, या तो मुशब अलग सेपरेट मुशब सब मुशबा आ जाएंगे और मुशबा भी अलग आ जाएंगे, एक तो ये सूरत है, या फिर ये है कि हर मुशबा और मुशबा भी इकट्ठा आ रहा है, हर मुशबा और मुशबा भी जिस चीज़ को आप तशबीह दे रहे हो और जिसके साथ दे रहे हो वो इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। एक सूरत ये है कि इकट्ठे सारे जो है ना मुशबा मुशबा हाथ वो आ गए हैं, जितनी भी चीज़ों को आपने तशबीह दिए आप उनको इकट्ठा ज़िक्र करें, फिर जिनके साथ दिए आप उनको अलग ज़िक्र कर दें, एक सूरत तो ये होगी। तो दूसरी सूरत क्या होगी कि हर एक मुशबा को मुशबा भी के साथ, यानी जिसको जिसके साथ तशबीह दे रहे हैं आप उसके साथ ज़िक्र कर दें, कितनी सूरतें होगी, दो। और या फिर तीसरी सूरत ये हो सकती है कि मुशबा ज़्यादा हों और मुशबा भी एक हो, और चौथी सूरत क्या हो सकती है, मुशबा एक हो मुशबा भी ज़्यादा हों। तो ये जो है ना ये फोर काइंड चार किस्में यहाँ पे बनाई गई हैं। देखें मलफूफ़ मफरूक तस्विया और जमा, अब मैंने जो तरतीब आपको बताई है अगर आपके जहन में ये तरतीब रहेगी तो भाई ये चीज़ें भी आपको याद रहेंगी, लेकिन आपने तरतीब से याद करनी है। मलफूफ़ मफरूक तस्विया और जमा, मलफूफ़ मफरूक तस्विया और जमा। मलफूफ़ पहले वाली सूरत जिसमें मुशबा मुशबा भी दोनों ज़्यादा हों और मुशबा सारे इकट्ठे हों और मुशबा भी अलग हों, ये क्या हो गया मलफूफ़ पहले वाली सूरत। दूसरी सूरत आपको मैंने क्या बताई थी, मुशबा मुशबा भी के साथ आ रहा हूँ, भाई मुशबा मुशबा भी ज़्यादा हैं लेकिन हर मुशबा अपने मुशबा भी के साथ आ रहा है, तो ये दूसरी सूरत मफरूक। तीसरी सूरत मैंने क्या बताई थी, मुशबा ज़्यादा हों, पहले मुशबा को रखा हुआ है ना फिर मुशबा भी है, मुशबा ज़्यादा हों और मुशबा भी एक हो तस्विया, और अगर मुशबा एक मुशबा भी तो जमा। डेफिनेशन मैंने नीचे इशारा दे दिया, मलफूफ़ जमअुल मुशबा माल मुशबा वल मुशबा भी माल मुशबा भी, कि आप मुशबा को मुशबा के साथ जमा कर दें, ठीक है, और मुशबा भी को मुशबा भी के साथ आप जमा कर दें। कैसे, शायर कहता है देखें जी, लैलुन व बद्रुन व गुस्नुन शारुन व वजहुन व कद्दुन, कहते हैं रात है और चांद है और शाख है, क्या बाल उसके रात के मनिंद काले हैं, वजहुन चेहरा उसका बदर चांद की तरह चौदहवें के चांद की तरह रोशन है, और कद्दुन कद उसका गुस्नुन शाख की तरह दुबला पतला और लंबा है। अब बात समझ आ रही है, तीन चीज़ों को तशबीह दी है, लैलुन ठीक है, सॉरी
तीन चीज़ों के साथ तशबीह दी है और तीन चीज़ों को दी है, और तीन चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी हैं, ये देख लें, शारुन वबजहुन वकद्दुन, ठीक है, और मुशबा भी इकट्ठे हैं, लैलुन वबदरुन वबदरुन व गुस्लुन, समझ आ गई। इसको कहते हैं तशबीह मरफू मफरूक, जमुल मुशबा माल मुशबा भी। दूसरी किस्म मैंने आपको क्या बताई थी, हर मुशबा मुशबा भी के साथ आ रहा है। और यहाँ पर देखें शायर कहते हैं अन्नशरु मिस्कुन वल वजूहु दना नीरु व अतराफुल अकुफी अनामू, कहते हैं अन्नशरु मिस्कुन, उसके इससे जो खुशबू आ रही है ना, अन्नशरु मिस्कुन वो कस्तूरी जैसी है, कस्तूरी उसकी खुशबू कस्तूरी जैसी है, वल वजूहु और जो चेहरे उनके हैं, दना नीरु वो दीनारों की तरह गोल और खूबसूरत चमकते हुए, खूबसूरत चमकदार हैं। अब मुशबा मुशबा भी, मुशबा मुशबा भी, हर मुशबा भी के साथ आ रहा है। वातराफुल अकुफी और हथेलियों के अतराफ यानी उंगलियां, अनम अनम जो लकड़ी है उसकी मानंद खूबसूरत हैं, वो खूबसूरती में अनम एक पौधा होता है, उसके साथ उसकी लकड़ी के साथ या उसकी शाखों के साथ या ना वो तशबीह देते हैं या उसकी लकड़ी के साथ तशबीह देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा था कि तीनों मुशबा एक जगह पे और मुशबा भी, और यहाँ पे क्या है, मुशबा मुशबा भी, मुशबा मुशबा भी, मुशबा और मुशबा भी, तो ये मफरूक है। तस्विया तादुदुल मुशबा दून अल मुशबा भी, मुशबा मुतादिद हों लेकिन मुशबा भी मुतादिद ना हों। देखें शायर कहता है सुदगुल हबीबी वहाली किलाहुमा कल याली वसगरहु फी सिफाइन व अदमुई कल आली, कहते हैं महबूब के सुदगुन कन पटियाँ, इधर जो बाल होते हैं ना, मुराद इससे शरह में, इसकी शरह में लिखते हैं कि इससे मुराद जुल्फ हैं, कहते हैं महबूब के जुल्फ हैं व हाली और मेरी हालत, किलाहुमा कल याली दोनों ही रातों के मनेंद हैं, ठीक है, कहते हैं मेरा जो हाल है वो भी तरीक हो गया है और जिनसे मुझे मोहब्बत है उसकी जो जुल्फ़ें वो भी तरीक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें सुदगुल हबीबी ये पहला मुशबा है, वह हाली ये दूसरा मुशबा है, कल याली ये मुशबा भी है। अब आगे इसके जो दूसरा हिस्सा उसमें भी ऐसे ही है, वसगरहु फी सिफाइन और उसके दांत साफ होने में, वह अदमुई और मेरे आंसू कल आली मोतियों की तरह हैं, कहते हैं इस लिहाज से भी मुझे मुनासिबत है कि मेरे जो आंसू हैं और उनके जो दांत हैं वो खूबसूरती में मोतियों जैसे हैं, ठीक है। अब इसकी मैं शरह नहीं करता हूँ, बस ये समझे कि जो क्या कहते हैं मुशबा मुतादद है और मुशबा भी जो है वो एक है, समझ आ रही है ये बात। यहाँ भी ये देख लें सुदगुल हबीबी ये पहला मुशबा, ये दूसरा और ये मुशबा भी है, सगर और उसके दांत वाद मुई और ये दोनों मुशबा और यहाँ मुशबा, तो क्या हो गया तस्विया तादुदुल मुशबा दूनल मुशबा भी, समझ आ गई है। तादुदुल मुशबा भी दूनल मुशबा, मुशबा भी मुतादद हूँ। शायर कहता है कानमा यबसमु अनलुलुइन मुनज़्ज़ा दिन औ बारा दिन औ अकाही, गोया कि वो मुस्कुराता है, यूं लगता है जब वो मुस्कुराता है तो यूं लगता है कि वो मुस्कुरा रहा है मोती जैसे दांत से, मुनज़्ज़ादी जिस मोती को लड़ी में परो दिया गया हो, औ बारा दी गोया कि वो मुस्कुराता है मोतियों जैसे दांतों से जिन मोतियों को लड़ी में परोया गया हो, औ बारा दी या औले जैसे दांतों से, औ अकाही या गुले बबूना जैसे खूबसूरत दांतों से, ठीक है, कोया कि वो मुस्कुराते हैं खूबसूरत दांतों से और वो दांत मोतियों जैसे हैं या औलों जैसे हैं या गुले बबूना जैसे हैं। अब यहाँ पे ये देख लें दांतों की बात हो रही है और मुशबा भी जो है वो अल्लुलुइन मुनज़्ज़दिन औ बारा दिन औ अकाही, ये सारे मुशबा भी हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने तशबीह की अकसाम तरफ़ैन के लिहाज से, तरफ़ैन के मुतादिद होने के लिहाज से जो तशबीह की अकसाम है वो हमने चार पढ़ी, और वो कौन कौन सी हैं आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, मलफूफ़ मफरूक तस्विया और जमा, इसकी डेफिनेशन और जो अमसिला हैं वो मैंने नीचे लिख दी हैं, अगर किसी कोई बात नहीं समझ आए आप पूछ सकते हैं।